भाई साहब, यहाँ तुम्हें गाड़ी चलानी आती हो ना आती हो, ये बिल्कुल तैयार खड़ी। देख रहे हो, जूता उता पहन के, सेम मैचिंग कलर की लोअर, मैचिंग कलर की टी शर्ट। हेलो नमस्ते, मेरा कम सत श्रीकाल आदाब राधे राधे। भाई साहब, ब्लॉग की शुरुआत हो रही अभी। अबे अनलॉक तो कर, चाबी लेके बैठी ने, पता ही नहीं कैसे अनलॉक होगा। चाबी दे, चाबी। तुम देख रहे हो तैयारी कैसी चल रही है भाई। सुबह सुबह उठ के लड़की अपना सेट मामला, ये बिल्कुल भयंकर तैयारियों के साथ चल रही है। ड्राइवर डोर, अरे भगवान, ड्राइवर को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा क्या करना है, क्या चल रहे हैं बस। बीवी की प्लीज फासन योर सीट बेल्ट। देखो वैसे तो मैं ना बहुत प्यार से अपनी बीवी को, तुमने मेरे वीडियोस अगर देखे तुम्हें पता है मैं कितना प्यार करता हूँ अपनी बीवी को, ठीक है। तो अभी उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अभी क्या हुआ, क्योंकि हम जा रहे हैं अब ड्राइविंग के लिए, तो हमने सोचा कि भाई ड्रोन शॉट्स भी ले लेंगे एक दो। तो हमने ड्रोन छोड़ दिया, मतलब गलती से भूल गया मैं, जो तुमसे होती नहीं है कभी गलती। हाँ, मतलब दिस इज लाइक कि आई एम द वंस इन अ व्हाइल, वंस इन अ व्हाइल नहीं, इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम है। भाई ऐसा रास्ता चल रहा है ना, इसी रास्ते में सी ड्राइव। वंस इन अ लाइफ टाइम वाली गलती हुई है मेरे से, कुछ भूल जाने वाली, जो कि तुम्हें पता है मैं कभी कुछ नहीं भूलता। तो मेरी बीवी बोल रही है कि ये जो तुमने ड्रोन छोड़ा है ना, ये वीडियो में जरूर बता देना। मैंने कहा ठीक है, बता देंगे भैया। देख रहे हो इसका मुंह और अपना मुंह? नहीं, मेरा मुंह तो बहुत सुंदर है, मेरा तो, अरे ना ना ना, मेरे मुंह में भी नहीं है। नजर ना लगे भैया, टीका लगा कर टच फूड। हमारी तो खूबसूरती के चर्चे चल रहे हैं। वो आ गया, लो वो आ गया। तो हमने अपने लेजेंडरी ड्राइवर को बिठा लिया है यहाँ ड्राइविंग सीट पे। इनकी धड़कनें अभी बढ़ चुकी हैं बहुत ज़्यादा। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम अगर सीख रहे हो पहली बार गाड़ी सीख रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो होते हैं गाड़ी स्टार्टिंग में सीखने के लिए, सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप गियर लगाना सीखो ना सीखो, क्लच और ब्रेक इन दोनों का यूज़ सीख लो। क्लच और ब्रेक का यूज़ सीखते सीखते आपको स्टेयरिंग भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ये सीखने के बाद, और ये सब करने के दौरान ना, आप फर्स्ट गियर में ही गाड़ी चलाओ। ये सब करने के बाद थोड़े देर तक अगर आप ऐसा कर लेते हो, उसके बाद जो है आप थोड़ी बहुत लर्न कर जाओगे। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए तो हमें क्लच दबाना ही पड़ेगा, ठीक है? स्टार्ट, हाँ स्टार्ट। पहला गियर लगाओ, कॉशन, फियर, क्लच हल्के हल्के से रिलीज करो, स्टीयरिंग सीधा, पूरा रिलीज कर देना। हाँ, क्लच रिलीज करके रखो, स्टीयरिंग का ध्यान रखो, इधर जा रही है गाड़ी, और एक्सीलेटर दबाने के चक्कर मत रहो ज्यादा। तो भाई साहब, ये बेसिक थोड़ा सा अभी आज अपग्रेड हुआ है, ठीक है? बेसिक पे थोड़ा अपग्रेड क्या हुआ, मैडम जी एक्सेलेटर दबाना सीखी है, तो एक्सेलेटर पे एक्सेलेटर दबाए जा रही हैं। पहले गियर में एक्सेलेटर चल रहा है अभी मामला। अभी तुम्हें स्टीयरिंग क्लियर करना है, उसके बाद एक्सेलेटर सीखना है। काफ़ी देर से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे, इट्स अ गुड थिंग। हमने मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर की अभी इनकी प्रैक्टिस करा दी फर्स्ट गियर में। अब ये 2-2.5 किलोमीटर करने के बाद अब इनको एक्सेलेटर का स्वाद मिला है थोड़ा, तो अब इन्हें मज़ा आ रहा है थोड़ा। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ हम गाड़ी स्लो चलाएंगे, आगे कट आ रहा है। स्लो स्लो ले चलो आराम से, पटाखे मोड़ भी है, तो मोड़ वगैरह पे एक्सेलेटर जब यूज़ करते हो गाड़ी तेज होती है, तो थोड़ा सा स्टीयरिंग हल्की ही चाहिए। यूज़ करना है तो यूज़ कर लो हल्के, वहाँ तक तो पहुँचाएंगे हल्की। अब जब तेज होना गाड़ी, तो हल्की स्टीयरिंग लोगी तो भी ज़्यादा मुड़ जाएगी, ये ध्यान रखना। हो गया, सेकंड लगाओ, सेकंड कहाँ लिखा है जो तुमने वहाँ लगाया, ठीक है ये सेकंड हो गया, ठीक है वेरी गुड। अब थर्ड लगाओ, चलो 6 गियर्स हैं, ठीक है? पहला गियर तुम इधर से जोर लगाओगी, तुम अभी मत छोड़ो, अभी मैं तुमसे प्रैक्टिस लूँगा। पहला गियर इधर से दबाया, ये गया फर्स्ट गियर, ठीक है? ये ऐसे ही सीधा लेके आए तो सेकंड गियर, और अगर नॉर्मल में है सेकंड गियर लेना है तो इधर गए सेकंड गियर,
ठीक है। अब अगर तुम्हें थर्ड गियर लगाना है तो बस ऐसे ही यहाँ कर लोगी तो थर्ड गियर लग जाएगा, क्लच दबा रहेगा, ऐसे ही पीछे कर लोगी तो फोर्थ लग जाएगा, ठीक है। जिस पोजीशन पे गियर लीवर रहता है उसी में सीधा आगे थर्ड, सीधा पीछे फोर्थ, ठीक है। ये वापस न्यूट्रल आ गया, ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब अगर फिफ्थ लगाना है तो ये गया फिफ्थ, सिक्स्थ लगाना है तो ऐसे ही स्ट्रेट ले आओ सिक्स्थ या फिर सिक्स्थ। समझ में आ गया, फील आया। अब अगर तुम्हें रिवर्स लेनी है गाड़ी तो ये उठेगा, पीछे जाएगा। रिवर्स मीन्स? रिवर्स मतलब गाड़ी पीछे कैसे जाती है, गाड़ी पीछे कैसे जाती है। अच्छा। ये लग गया रिवर्स गियर, फर्स्ट सेकंड, नहीं सेकंड नहीं है, फोर्थ है। अभी नॉर्मल है ना, न्यूट्रल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हाँ फोर्थ फिफ्थ हाँ सिक्स्थ हाँ, ठीक है, वेरी गुड। न्यूट्रल रिवर्स, ठीक है। अब न्यूट्रल में लो, चलो गियर का तुम्हें अंदाजा हो गया ना। अब तुम्हें फर्स्ट लेनी है। कॉशन, फ्यूल लेवल इज लो। फर्स्ट ही है, ठीक है, फर्स्ट है, चलो। तो मैं स्लो करने के लिए, हल्की सी ब्रेक लगने से भी गाड़ी स्लो होती है अगर क्लच लिया हो तुमने तो, हल्की सी ब्रेक लगाओ, हल्की सी ब्रेक लगाओ। तुम एक्सेलेटर के चक्कर में तुम्हें ज्यादा पड़े, तुम्हारा पैर वही एक्सेलेटर पे है, अब रखा है। हाँ, तो पैर एक्सेलेटर पे नहीं रखना है कभी भी, पैर हमेशा ब्रेक पे रखना है, क्योंकि जब मैं ब्रेक में बोलूंगा तुम एक्सेलेटर दबा दोगी, ये बहुत नॉर्मल केस है। तो भाई साहब, ये बहुत देर से एक्सेलेटर दबा दबा के परेशान थी, तो हमने इनको एलिवेट कर दिया है लेवल टू पे। करीब करीब 10 लेवल हैं इस पूरे सेशन में, इस लेवल टू पे ये पहुंच चुकी हैं सेकंड गियर में। अब तुम्हें सेकंड गियर में ये ऐसा मोड़ लेना है, इन्हें इधर चलना है अपने को, ध्यान रखना। लो लो लो, ज़्यादा नहीं लो, हल्के से लो स्टीयरिंग, हल्के से। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सेकेंड गियर में, मतलब सेकेंड गियर में बिना एक्सेलेटर लिए हल्की सी स्पीड है उसमें जो है गाड़ी टर्न ले रही है। ये अलग ही लेवल पे जा रही है लड़की भैया, अब ये कंट्रोल से बाहर निकलती जा रही है। कल से मैं ऑफिस गाड़ी से और तुम बस से। ये ट्रैक्टर है तो हमें हल्के से इधर साइड लेना है, तुम ज्यादा इधर आती जाती हो बेटी, वो टच हो जाएगी गाड़ी। कॉन्फिडेंस तो इन पे ऐसा हो रखा है कि कुछ पूछो ही मत। अब तुम फर्स्ट गियर में लो, एक्सेलेटर पे पैर नहीं रखना है, एक्सेलेटर तुम्हारा पैर क्यों है? Sorry. छोड़ो क्लच, छोड़ो, अब एक्सेलेटर पे पैर रखते हैं। नहीं क्लच छोड़ो, छोड़ दिया। अच्छा छोड़ दिया, स्लो स्लो ही हो गई। मजा नहीं आ रहा है इतने स्लो में। स्टीयरिंग भी देखते जाओ, कुछ करते हैं। ये अलग ही इसको एंटरटेनमेंट बनाने के चक्कर में लगी हुई है। नहीं नहीं नहीं, तेज नहीं, ड्रोन को ज़्यादा आगे ले गया भाई साहब। अभी क्या हुआ ना, मैं ड्रोन उड़ा रहा था नोएडा के इन गलियों में, एक्चुअली यहाँ पे क्या है, यहाँ नॉर्मल सा है, अब मैं इसको बहुत आगे लेके चला गया, ठीक है, और भाई ये गायब हो गया, और हम बहुत देर से घूम रहे थोड़ी देर बाद तो हाइट भी 1.3 मीटर दिखा रही थी। ये तो मैं देखो, तो मैं दिखाते हैं, ये देख रहे हो हाइट, ये इतनी दिखा रही थी, अभी हाइट दिखा रहा है 1.3 मीटर। हम गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से उसका विजुअल आया, हमने ड्रोन यहीं से कहीं से उड़ाया था, ठीक है, अचानक से भाई साहब इसका विजुअल आया, हमने देखा तो मेरी गाड़ी दिखाई दे रही, गाड़ी मेरी वो खड़ी है, और ड्रोन देखो ये देख रहे हो, हम ढूंढते ढूंढते ड्रोन के कैमरा से, हमने कहा कैमरे में क्या दिखाई दे रहा है, ये पड़ा हमारा ड्रोन। भाई साहब ये यहाँ कैसे उतरा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इसके ऊपर है झाड़ी, और या तो ये गिरा है या कुछ भी हुआ है, बट ठीक है कि ड्रोन हमारी बहुत अच्छी वर्किंग कंडीशन में है। चल, तो भाई साहब हमारा ड्रोन नोएडा में खो गया था, भयानक तरीके से ढूंढ रहे थे हम लोग काफ़ी देर से, वो तो अचानक से, अब मतलब जब 1.3 मीटर हाइट दिखाई थी ना तो मुझे श्योर था कि ड्रोन गया, मैं इसको बोल रहा था ना, मैं इसको यही बोल रहा था कि ड्रोन गायब ड्रोन गया। गाड़ी चलाने में भी जितनी ड्रोन की हुई थी, बट वो ना वहीं उसी जगह पर आया, तो हमने कहा चलो आगे चलते हैं एक बार, और अचानक से RC कनेक्ट हो गई,
रिमोट कंट्रोलर कनेक्ट हो गया, जैसे ही आरसी कनेक्ट हुई और उसमें विजुअल्स आ गए, फिर हमने देखा हमारी गाड़ी का बैक साइड दिख रहा है, तो हम उस रोड पे गए जहाँ पे हमने ड्रोन उड़ाना शुरू किया था। मेरे को तो अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो उस जगह कैसे उतर सकता है, क्योंकि ये ओपन एरिया में उतरता तो बात होती है ना। मैं नोएडा का शॉट लेने के लिए ड्रोन उड़ा रहा था, ड्रोन का सिग्नल यहाँ पे आके लॉस्ट हुआ, फिर आप देख रहे हो रिटर्न टू होम होता है, यहाँ पे जाके ड्रोन रुक गया, ड्रोन नीचे आ रहा है और आपको लड़का एक दिख रहा होगा, और भाई ये बाइक कितने पास से निकली है ड्रोन के, ड्रोन यहाँ डाउन होता है, देखो आप टुक टुक गया और बंदा ये ड्रोन यहाँ से उठाता है, ये ले जाके चारों तरफ देखता है, जब इसे कुछ नहीं मिलता ये बंदा जाके ड्रोन एक जगह पे रख देता है, फिर ये वापस आता है ड्रोन को और सेफ जगह पे रखता है। अब ये बंदा जो भी था इसकी शक्ल हमें नहीं दिखी, ये देखो ये बहुत सेफ सी जगह पे रख दिया। अब मेरी गाड़ी हम लेके आते हैं कि जहाँ से हमने ड्रोन उड़ाया था वहाँ पे, और हमारी गाड़ी की जो व्यू है वो हमारे व्यू फाइंडर में दिखता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि ड्रोन यहीं कहीं आसपास में है। फिर हमने वहाँ पे जाके गाड़ी रोकी, हम उतरते हैं, ढूंढते ढूंढते आते हैं और अचानक से हम अपने ही ड्रोन के व्यू में दिख जाते हैं। मैं फ़ोन में देखता हूँ, फिर हमें मुझे समझ में आ जाता है और ये रहा हमारा ड्रोन। ये सारी बातें तब हमें पता चली जब हमने घर जाके ड्रोन की फुटेज देखी, क्योंकि हमको तो पूरे टाइम ये लग रहा था कि ड्रोन हमारा वहाँ आके गिरा है या वहाँ पता नहीं इतने सेफ कैसे रख गया। तो इस तरह से आज का अध्याय जो गाड़ी सिखाने वाला है ड्रोन खोने से ख़त्म हो रहा है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो जो मर्जी आए करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय बाय।